दोस्तों आज हमारे गांव की दो शादियां हैं और जिस शादी में हम लोग जा रहे हैं ना वो हमारे घर के पास ही है बिनोद नगर में, तो हम वहां जा रहे हैं और वहां ना मेरे गांव के लोग भी आने वाले हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं पहनूंगी ये वाली साड़ी। तो गाइस आपको दिखाती हूँ साड़ी पहन के। तैयार हो रहे हैं लेकिन उसको वही बैठ, दूसरे कमरे में तो बैठ सकता भाई, तू नहीं रह सके, दूसरे कमरे में सामान है मेरे दो वहां है कपड़े। हिंदी मेरे बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, स्टाइल दिखा रहे हैं, दिखाओ। हेलो दोस्तों, सबके मित्रों नमस्ते और प्रणाम। आज हम जा रहे हैं शादी में और मुझे बहुत मजा आएगा, मैं वहाँ पे डांस करूंगा। हाँ दादा की शादी में दादा बोलेगा, दादा ही तो बोलेगा। दोस्तों आज न्यूतेर है, मतलब दूल्हे को लगेगी मेहंदी और कल दूल्हा दुल्हन मिलेंगे, तो आज तो हम आपको दूल्हे से मिलाएंगे। बिल्कुल, मैंने देखा भी नहीं है दूल्हा, पहली बार देखूंगा। राशि तुमने देखा? हाँ मैंने देखा है। अच्छा इसके रिलेटिव भी है ना? हाँ रिलेटिव है। मेरे भी है लेकिन पता नहीं मैंने देखा नहीं। नहीं मैंने उनको देखा है पहले। हाँ मेरे गांव के है ना। अंकल जी कैसे हो? कैसे हो? सर बढ़िया। आप इसी में हो? इसी में हो? हमारा कौन सा है फिर? दोस्तों यहाँ पे तीन शादियाँ हो रही है और हम ना कंफ्यूज हो गए कि हमें कौन सी शादी में जाना है। नाम नाम क्या है नाम? चलो चलो चलो। दोस्तों एंट्री पे हमको बहुत सारे दोस्त लोग मिल चुके हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, खूब खा पी करके जाना ठीक है। चलो चलो लेके भी जाना। क्या चीज? लेके भी जाना। लेके भी जाना, चलो चलो। बजे देखो टोपी पायल तू छमाचम छमाचम छमाचम, कमय हुडूपी यो ढोल धमाधम धमाधम धमाधम, आजा 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 ओ मेरी लाली मानो लाली। आते गजो हेलो करो, हेलो करो। तो ये है दूल्हे जिनकी शादी हो रही है कल, कैसा लग रहा है? आप बताओ। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया लग रहे हो, करो ना। गुलाल चुन्नी कुर्ती तेरी काली, वे देखी सिटी ताली, बजूची पूरी थल की बजा, घूम जाओ सारे घूम जाओ, बजूची पूरी थल की बजा, यो क्या गजब लगे है तेरू पिंक बले जो, क्या झम लगे है तेरू रंगीलो क्यों मैं दोस्तों देवांशी को शायद भीड़ पसंद नहीं है, इसीलिए वो अपने प्यारे से पापा को परेशान कर रही थी, और रुद्र तो ना अपने दोस्तों के साथ डांस करने में मस्त हो रखा था। फिर हमको हमारी YouTube फैमिली के मेंबर्स मिले, हमने फिर से तगड़ा डांस किया। उसके बाद राशि चली गई अपनी फेवरेट स्टॉल में गोलगप्पे खाने के लिए, और राशि ने इतने गोलगप्पे खाए ना, इतने गोलगप्पे खाए कि स्टॉल वाले भैया सोच रहे होंगे काश मैं यहाँ पर गोलगप्पे बेचता तो माला माल हो जाता। ये देखो एक और गोलगप्पा गया। उसके बाद हमने दूल्हे और दूल्हे की मम्मी पापा के साथ खूब डांस किया, मतलब मजा आ गया। फिर दोस्तों मैंने सोचा कि अगर लड़कियां गोलगप्पे खाने में नंबर वन है तो हम लड़के पीछे कैसे रह सकते हैं। मैंने भी दबा के गोलगप्पे खाए, दबा के। मेरे बच्चे तो गोलगप्पे के सामने ही बैठ गए, बताओ। हमको गोलगप्पे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद हमको मोटू पतलू भी दिखाई दिए, वो भी गोलगप्पे ठूस रहे थे। हमने गोलगप्पे खाए, अब हम लोग डिनर कर रहे हैं। अच्छा। ये है दही बल्ले, खाओगे? नहीं तो खाएगा। शादी में आए और बासमती चावल ना खाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं, मेरा तो फेवरेट है। ये है दाल मखनी। ये क्या कर रहा है रुद्र? ये किसके लिए? सुधीर के लिए। खाना? अरे खाओ। ये भाई ना, हमारे संदीप भाई ना सबके लिए गुलाब जामुन लेकर के आ रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। नहीं नहीं, अरे इतने कहाँ खा पाएगा रुद्र? नहीं नहीं खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। अरे 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 अरे। मत ले मत ले मत ले,
मैंने घर पे खाना खा लिया था और यहाँ पर गोलगप्पे खा लिए, अब मुझे भूख नहीं लगी। ये पनीर खा लो, पनीर अच्छी लगती है ना, टेस्टी बना, लेकिन टेस्टी बना। पहाड़ की गाड़ी में हवा लागी रे, रेशमी रुमाल ते रोड़ने लगी रे, पहाड़ की गाड़ी में हवा लागी। तो आप लोग मतलब हस्बैंड वाइफ, तो कैसा लग रहा है उनको बताओ? बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो चाहिए हमारे भाई ने आज से पहले कभी डांस नहीं किया था, बट आज ये रुक नहीं रहे हैं। अपनी शादी में तो करना पड़ेगा, क्योंकि कल से करेगा नहीं, आज ये रुक नहीं रहे क्योंकि कल से फिर वाइफ नहीं रुकेगी। पहले बात भी क्या करते थे, पहले तो ये बात भी नहीं करते थे, अब इसलिए आपकी चुप नहीं रहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, सच बताओ, वहाँ देख के सच्ची में अपनी मर्जी है ना, अभी तक तो अच्छा लग रहा है, अभी तक अच्छा, आगे का आगे देखेंगे। अंकल जी मुझे शूट कर रहे हैं। कैसा आ रहा हूँ मैं? बढ़िया बढ़िया। मुझे नया दोस्त मिला है और इनका नाम है विवेक दादा। और हम कहाँ जाएंगे आज? चांद में। किससे मिलने? चंदू मामा से। चांद सिनेमा नहीं, चांदू। गाड़ी में बहुत अच्छा लगा यार। दोस्तों न्यू ईयर की पार्टी के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर और रिक्शा ढूंढ रहे हैं अभी। हेलो दोस्तों, हमारे बाथरूम का दरवाजा टूट गया है, मैं कैसे नहाऊंगा, कैसे छुट्टू करूंगा, इसलिए मम्मी पापा नया दरवाजा लेने के लिए जा रहे हैं और फिर मैं छुट्टू करूंगा, नहाऊंगा। सिट, रोल, शाबाश, कैप्टन सिट, ए सिट, कैप्टन सिट, कैप्टन सिट, रोल, दरवाजा यहाँ से थोड़ा सा टूटा था और कैप्टन ने मुंह डाल के और तोड़ दिया, और ये कुंडी, और ये कुंडी भी खराब हो चुकी है। दोस्तों हम लोग कल शादी में जा रखे थे और आज भी हमें शादी में जाना था, लेकिन देवांशी की तबीयत ना थोड़ा डाउन चल रही है और जहाँ बारात जाएगी ना वहाँ काफी दूर भी है, तो इसीलिए हम लोग ना जा नहीं पा रहे। कोई नहीं, मन तो था, लेकिन मन तो था हमारा, दुल्हन देखना था। ऋतु कपड़े पहन ले, ठंड लग जाएगी। ऋतु कपड़े पहनो। पकड़ लिया। मेरी बुडली इतनी गुमसुम क्यों है यार, हैं? हम लोग दरवाजे की खोज में निकल चुके हैं। देवांशी भी आ गए हमारे साथ यहाँ पर। ये भैया जी, भैया ये लकड़ी के हैं कि प्लास्टिक के हैं? पानी से खराब तो नहीं होगा ना? हम लोग बाथरूम में इस तरीके का दरवाजा लगाना चाहते हैं क्योंकि ये पानी से ना खराब नहीं होता, प्लास्टिक टाइप का होता है। प्लास्टिक टाइप का होता है। एक तो ये रहा, बढ़िया। हाँ, ये भी है। कम डिजाइन वाला है? ये काफी नहीं, प्लान है। अभी हम लोग ना किचन में ड्रॉर लगाने की सोच रहे हैं, तो हम भैया से पूछ रहे हैं कि भैया हमें बता दो कि खर्चा कितने तक आएगा, ताकि हम लोग मतलब उतना अलग से बचा के रखें। 11,250। भैया दोबारा से बोल दो। 11,250। 11,000 रुपए। भैया हमें डिस्काउंट नहीं दोगे क्या? 250 का डिस्काउंट। फाइनली हमारा बाथरूम का दरवाजा आ चुका है और सब दरवाजों से अलग है। हमारे पड़ोसी भी आ चुके हैं और ये भी दरवाजा लगाना चाहते हैं। बिल्कुल, हमें भी लगवाना है दरवाजा। तो यहाँ पे ऐसे काम होता है कि एक का होगा तो दूसरा भी बोलेगा हम भी करवाएंगे, क्योंकि थोड़ा ना पता चल जाता है इस चीज के बारे में, आइडिया लग जाता है ना, आइडिया मिल जाता है कि हाँ कैसे लगवाना है, कितने का लगेगा। भैया इस दरवाजे के 1,800 रुपए बोल रहे हैं, अब डिस्काउंट देखते हैं। देखो वो भी लगवाएंगे फिर। हाँ ये बॉइल, कैप्टन कम, हो गया।
अरे कोई नहीं, अपने दोस्त है भाई। दोस्तों फाइनली हमारे बाथरूम का नया दरवाजा लग चुका है और इसकी प्राइस है 1800 रुपए और ये ना फाइबर का है। तो आपको दिखाते हैं, ये देखो। वाव, ये मैंने पसंद करा। जो हमारा पहले वाला दरवाजा था ना उसके मुकाबले ये बहुत हल्का है। वो लकड़ी का था, ये फाइबर का है ना। हाँ तभी। आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका प्राइस 1800 रुपए सही है कि नहीं, पूरा लगाने का भी है। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि दरवाजे का जो ऊपर का पार्ट है ना इससे हम कुछ बनवा सकते हैं, तो इसको अभी कबाड़ी वाले को नहीं देना। दोस्तों इस लकड़ी के दरवाजे से हम क्या बना सकते हैं हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि ये अच्छा है लकड़ी का ये। रुदु बहुत ही गंदा लगा रहा है। दोस्तों आज लंच में है आलू मेथी की सब्जी, चावल और कढ़ी, और सलाद भी है गाजर और मूली का हरी चटनी के साथ। दोस्तों अब हम खाना खा रहे हैं, आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय। लव यू, लाइक कर दो रे, शेयर कर दो रे, सब्सक्राइब कर दो रे, खाना खा लो रे, सो जाओ रे, फोन दे दो रे। कैप्टन रोल सीट। ये प्रोटीन स्टिक है जो कैप्टन को बहुत पसंद है। ईट नो, ईट